एक बेबस पिता ने अपने मासूम बेटे के शव को बाइक से पीएम कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हरसेना गांव से शव को गोद में लिए करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गांव के अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस नहीं है और शव वाहन भी नहीं है, जहां रात को बीमार पड़ने पर आफत में जान पड़ जाती है। मामला सामने आया है जहां सुबह के वक्त तालाब में डूबने से एक 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई, जहां पीएम के लिए ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया तो शव को पॉलिथीन में लपेटकर गोद में बाइक पर ही उनके लाचार पिता निकल पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट। ये बताइए आपका क्या नाम है? दरस राम यादव। कहाँ से हैं आप? अरसेना। इसमें क्या रखे हैं? इसमें मेरा बच्चा है जो पानी में डूब के खत्म हो गया। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? 100 बेड ले रहा हूँ। तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है क्या? एम्बुलेंस वगैरह डॉक्टर है लेकिन एम्बुलेंस नहीं है, गए थे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम बाइक से लेके जा रहे हैं। 100 बेड मोटरसाइकिल से लेके जाएंगे जी? तो यहाँ से तो बहुत दूर है, लगभग 70 किलोमीटर। 100 बेड क्या करेंगे परेशानी के समय में, अब जैसा बनेगा वैसा लेके जाएंगे। अच्छा, तो किसी से नहीं मिले थे? हॉस्पिटल गए थे? नहीं गए थे। गए थे तो क्या बोले हॉस्पिटल वाले? एम्बुलेंस नहीं है। तो मोटरसाइकिल से ही लेके जाएंगे इसको? जी हाँ। इसके बाद आवाज भी लेके आना है जी। कितना किलोमीटर है यहाँ से लगभग? कोई 60-65 के लगभग होगा।